फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टेट प्रेसिडेंट साकेत शरीफ। आज का इस प्रोग्राम इस चीज़ पर बंद है कि हमारे नौजवान शहर हैदराबाद से MMA जो स्टेट वाइज पे होता है, तो इस चैंपियंस को स्टेट लेवल पर जो चैंपियन होकर आए हैं उनके लिए सालपोशी और हिम्मत आजमाई इंकरेजमेंट के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हमारे नौजवान और भी इस चीज़ में हिस्सा ले आइंदा। और जो आजकल जो माहौल है, इस माहौल से हटकर ये हमारे बच्चे आज ये काम किए हैं और आइंदा और आगे भी जाने के लिए हमारी दुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे इस माहौल से निकलकर ये काम कर रहे हैं, बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है और अल्लाह करे इनको आगे भी कामयाबी दे। और आज का माहौल जो शहर का गांजा, ये आवारागर्दी, ये नाइट का माहौल, लेट में सोना, दिन में देर से उड़ना, मैं समझता हूँ हमारे पुराने शहर में 90% लोग इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये नौजवानों को मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग भी ये MMA छोड़ के कुछ और अपनी तरफ से हो सकता है तो उस चीज के लिए आगे बढ़िए। ये आवारागर्दी, ये गांजा, ये दूसरी चीजें जो है गुटखा, शराब नोशी, ये चीज आगे आने वाली काम में नहीं है, ना अपने दीन में है ना दुनिया में है। आखिरत के लिए भी ये बहुत बुरी चीज है, दुनिया के लिए तो बहुत बुराई है। अगर कोई पी के जा रहा तो उसको ये बता रहे जा रहा पैकेट, कोई गांजा लेके जा रहा तो जा रहा गांजे टी, तो ये चीज से बचिए। इस माहौल में मैं बच्चों से मेरी बहुत ही पहले हैसा शुरू करता हूँ। अल्लाह बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इसाक अली खान मजहरी है। मैं ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन का नेशनल मेंबर हूं और सीनियर मेंबर हूं। हम लोग ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स के साथ 2012 से जुड़े हुए हैं और जितने हमारे फाइटर्स जो पार्टिसिपेट किए थे, अभी जो ट्रायल्स चलेंगे, इस ट्रायल्स में सेकेंड ट्रायल दिसंबर और एक ट्रायल होगा जो जनवरी में होगा। उसके बाद इंडिया वर्सेज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ाइटर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। इन फाइटर्स को फिर से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दोनों के लिए मैच कराया जाएगा जो के नेशनल फाइटर्स रहेंगे। तो इन फाइटर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये ट्रायल्स रखे जा रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं और एंटी करप्शन फाउंडेशन के और सैयद जाकिर साहब के, जिन्होंने बुला के हमारे फाइटर्स के लिए हिम्मत अफजाई की और उनकी गुलपोशी की और उन्हें अवार्ड से नवाजा। और हम चाहते हैं कि इसी तरह मीडिया के ज़रिए से हमारे फ़ाइटर्स के लिए स्पॉन्सर्स आगे बढ़ें, ताकि जो दूसरे फ़ाइटर्स हिंदुस्तान का झंडा रोशन करने के लिए दूसरे मुल्कों में, जो कि हमारी मिलिट्री भी नहीं कर सकती, वो एक फ़ाइटर कर सकता है, तो इसके ज़रिए से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे मुल्क का नाम दूसरी जगह रोशन कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि लोग आगे बढ़ें, इन फ़ाइटर्स की हिम्मत अफज़ाई करें और इनको स्पॉन्सर करें आगे बढ़ने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मैं नेशनल कोच हूँ, नेशनल जज और रेफरी हूँ। हमारी बॉडी है आईमा ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट। हमारा तेलंगाना में फेडरेशन है MMA AFT मिक्स मार्शल आर्ट ऑफ तेलंगाना। और मेरा जिम है किंग्स MMA जिम, जो तिगलगुंडे पे है, जो तेलंगाना से पार्टिसिपेट किए 7 फाइटर्स पार्टिसिपेट किए, जो इंडिया वर्सेस और ऑस्ट्रेलिया सिलेक्शन चल रहा, जो दिल्ली में फर्स्ट सिलेक्शन है, जो फर्स्ट सिलेक्शन हुआ, जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 5 में से 7 विन हुए, उसमें से 4 गोल्ड 1 सिल्वर लेकर आए। तो सेकेंड सिलेक्शन दिसंबर में है। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश कर दूँ मैं, जो सिलेक्शन दिसंबर में है तो क्वालिफाई हुए तो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ाइट करेंगे बच्चे तेलंगाना से, तो इंशाल्लाह दुआओं की गुजारिश। कितने साल से? अल्हम्दुलिल्लाह लोग सर्विस दिए 8 साल की, जो अब तक के फ़ाइट करे लोग, जैसे कि बॉक्सिंग फ़ाइट करे, प्रैक्टिकल और स्पोर्ट MMA करे, जो फर्स्ट जो ये जो अमेचर होता है 18 अबव, 18 साल की उम्र में बच्चा ये अमेचर फ़ाइट करता है,
तो उन लोगों की एज अब आई हुई है, तो जो फर्स्ट कैच में उतरे लोग, फर्स्ट टाइम कैच में उतरे, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी अच्छा लेकर आए, फाइट अच्छा करे, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे चल के और अच्छी फाइट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे जो सईद साहब है एमएमए जो करे, और जो सलमान और तैयब को, ताहिर को जो मेहनत करके आगे बढ़ाए लोग, और आपके हमारे कमेटी आल जो असदुद्दीन अवैसी साहब, नकवी मिल्ला साहब जो 60 लाख की लागत से जो काम कर रहे थे, आज उसकी वजह से जो सो तकरीबन जो सो बस्ती में बच्चे हमारे सीख रहे हैं, आतिकल कुंटे का नाम करे, तैवर साहब के बच्चे सलमान और ताहिर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है। इसमें सईद भाई की बहुत बड़ी मेहनत है, और तकरीबन बच्चे जो सो आओ और सीखो, सीख के जो सो कुछ बस्ती के नाम, और जो सो जो आवारा गर्दी जो गांजे का जो जाकिर भाई बोले वो सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जो केसेस हो रहे हैं जो गलत है ये, और दूसरी बात हमारे सैयद जाकिर साहब जो है जो काम करे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुक्रिया दिलो जहाँ से हम अदा करते हैं, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।